उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़ा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि सुदूर कर्नाटक में भी एक ऐसा ही विवाद उठ खड़ा हुआ है, जिसके बाद अब कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप मच गया। दरअसल ये विवाद कर्नाटक में टीपू सुल्तान के शासनकाल में बनाई गई एक मस्जिद को लेकर है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि जिस जगह पर मस्जिद है वहां पर पहले कभी हनुमान मंदिर हुआ करता था। कर्नाटक के श्रीरंगपट्टन नामक जगह पर एक जामा मस्जिद है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसे टीपू सुल्तान ने बनवाया था, लेकिन अब कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि वहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था, जिसे टीपू सुल्तान ने तोड़कर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने उस मस्जिद में पूजा करने की मांग की है। हिंदू संगठन का दावा है कि जो दस्तावेज मौजूद है उनसे साबित होता है कि वहाँ पर एक हनुमान मंदिर हुआ करता था। दावा तो इस बात का भी किया जा रहा है कि मस्जिद की दीवारों पर हिंदू शिलालेख मिले हैं, वो ये साबित करने के लिए काफी है कि वहाँ पहले मंदिर हुआ करता था। बता दें कि जब से श्रीरंगपट्टन में स्थित जामा मस्जिद को लेकर वहाँ मंदिर होने के दावों पर जोर पकड़ा है, तभी से मस्जिद की तरफ से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। हालांकि अभी तक कर्नाटक सरकार या किसी बड़े अन्य संगठन द्वारा इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।